A very good morning, students. Class 11, Chapter 5, Morphology of Flowering Plants, Lecture Number 6. हम लेते हैं और next topic हमारे पास Placentation. The arrangement of ovules within the ovary is known as Placentation. Ovary के अंदर जो ovules का arrangement है उसे ही हम Placentation कहेंगे बच्चों. The Placentation are of different types. जो Placentation होता है वो विभिन्न प्रकार का पाया जाएगा. जैसे कि marginal Placentation, axial Placentation, parietal Placentation. Basal Placentation, Central Placentation and Free Central Placentation. इन सभी का फिगर 5.16 आगे हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला Placentation हम देखते हैं मार्जिनल टाइप का. इन मार्जिनल Placentation द Placenta फॉर्म्स अ रिज. इस प्रकार के Placentation में Placenta जो एक रिज बनाती है अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी. ओवरी के वेंट्रल सूचर वाले भाग के साथ. एंड द ओविल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज. और इसी रिज पर ओविल्स जो है वो उत्पन्न होते हैं फॉर्मिंग टू रोज. और ओविल्स की दो रोज बन जाती है जैसा कि हमें पी प्लांट में दिखाई देता है. तो आप डायग्राम भी देखिए स्टूडेंट्स. ये हमारे पास ए नंबर वाला जो है वो मार्जिनल Placentation का है. तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे रिज बना है वेंट्रल सूचर के साथ, ओवरी के वेंट्रल सूचर के साथ, और दो रोज में यहाँ पर ओविल्स का प्रोडक्शन होगा. आगे हम देखते हैं मार्जिनल टाइप का Placentation हमने पढ़ लिया. उसके बाद हम नेक्स्ट Placentation की बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो आप देखिए व्हेन द Placenta इज एक्सियल. जब Placenta जो है वो एक्सियल है एंड द ओविल्स आर अटैच टू इट इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी. और ओविल जो है वो Placenta के साथ अटैच्ड है और जो आपकी ओवरी है वो मल्टीलोकुलर है, उसमें बहुत सारे लोक्यूल्स है. द Placentation इज सेड टू बी एक्सियल. इस प्रकार के Placentation को हम एक्सेल Placentation कहेंगे जैसा कि हमें चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में दिखाई देगा. तो आप एग्जांपल्स भी लर्न करेंगे और आपका सेकंड टाइप का जो Placentation आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी नंबर वाला जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सेल Placentation हो जाएगा. यहाँ पर जो Placenta है आपको एक्सेल रीजन में दिखाई दे रहा है, ओवरी जो है वो मल्टीलोक्युलर आपको नज़र आ रही है. तो इस प्रकार से ये एक्सेल Placentation हो जाएगा. आप याद करेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स में एक्सेल Placentation पाया जाएगा. नेक्स्ट इन पैराइटल Placentation द ओविल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. जो पैराइटल Placentation होगा उसमें ओविल जो है वो ओवरी के इनर वॉल में डेवलप होगा और ऑन पेरिफेरल पार्ट, या हम कह सकते हैं कि जो परिधीय भाग है वहाँ पर इसका डेवलपमेंट पाया जाएगा. ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाल सेप्टम. यहाँ पर ओवरी जो होती है वन चैम्बर्ड ही होती है लेकिन हमें दो चैम्बर वाली नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर फाल सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है. तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि ओवरी जो है वन चैम्बर्ड है लेकिन वो ये दो चैम्बर्ड वाली हो जाती है फाल सेप्टम के बनने की वजह से. किसमें? तो पैराइटल Placentation में. एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे मस्टार्ड एंड आर्जिमोन, जिसमें पैराइटल टाइप का Placentation मिलेगा. व्हेन द ओवल्स, तो आप पैराइटल Placentation का डायग्राम भी देख लीजिए. नंबर सी वाला डायग्राम हमारा पैराइटल Placentation वाला हो जाएगा. तो आप सी वाला डायग्राम पैराइटल Placentation में बनाएंगे. इसी प्रकार हम आगे का टाइप देखते हैं. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाएगा व्हेन द ओवल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस. जो फोर्थ वाला डायग्राम है, ओविल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पर डेवलप हो रहे हैं. व्हेन द ओवल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एबसेंट. और सेप्टा जो है वो यहाँ पर एबसेंट पाए जाएंगे. अब देखिए व्हेन द ओविल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एबसेंट एज इन डायंथस एंड प्रेम रोज. जैसा कि डायंथस और प्रेम रोज में आपको नजर आएगा. तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल्स भी लर्न करेंगे और डायग्राम आप ये वाला बनाएंगे. आगे देखिए आप द Placentation इज, जो Placentation है स्टूडेंट, कॉल्ड फ्री सेंट्रल. इस प्रकार के Placentation को हम फ्री सेंट्रल Placentation कहेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं बेसल Placentation. द Placenta डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी. बेसल Placentation में जो Placenta है वो ओवरी के बेस पर डेवलप हो गया एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट. और एक सिंगल ओव्यूल से अटैच पाया जाएगा एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. और बेसल Placentation आपका सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में दिखाई देगा. इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो जो डी वाला डायग्राम हुआ है वो फ्री सेंट्रल के लिए हो जाएगा और ई वाला जो डायग्राम है वो बेसल Placentation के लिए हो जाएगा. और ये आपके पाँचों मार्जिनल, एक्सेल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल Placentation के डायग्राम हो जाएंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी वाली बुक में दिए हुए हैं. आप अच्छे से ये सारे डायग्राम भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और सभी Placentation का जो मतलब है या डेफिनेशन है आप अच्छे से उसे याद करेंगे. थैंक यू वेरी मच.